दा दिल धक धक कर दा धक धक धक। अरे भाई साहब, मैडम का दिल तो कुछ ज्यादा ही धक धक हो रहा है। तो ऐसे ही धक धक लगाने वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कान में हेडफोन डाल ले, क्योंकि मेरे आवाज से आसपास का माहौल खराब हो सकता है। तो टाइम बर्बाद ना करके शुरू करते हैं। गाइस, हमें फर्क नहीं पड़ता लड़का बाहर से कैसे भी हो, बस अंदर से उसका बड़ा होना चाहिए दिल। अरे मैडम, आप अगर एंड मोमेंट में दिल की बात नहीं करते तो मैं तो कुछ और चीज समझ के बैठा था। समझ रहे ना, लॉन्ग में जो चीज होती है बड़ा, जिनकी डिमांड होती है औरतों में, तो इन सब को छोड़ते हैं। मैडम, आपका दिल भी तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है हमें, सफेद सफेद। नहीं, ऐसे तो दिल का रंग रेड होता है, आपका तो सफेद, वो भी दो दिल एक साथ दिख रहे हैं अंदर से। पहली मोहब्बत है मेरी, पहली चाहत है। भैया, मोहब्बत चाहत का तो पता नहीं है, लेकिन मुझे सिलेंडर दिखा। अबे इंडियन सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, भाभी के सिलेंडर की नहीं। हाँ, वो भी दिखा, नाइटी के अंदर था। तुमने दिखा तो भाई हम तुम एक कैटेगरी में हुए ना, कि सिलेंडर में नजर अटक रही है। भैया सिलेंडर नहीं है, वो तो गुब्बारे हैं जिनको पिन से फोड़े जाते हैं। सोचो अगर भैया उस रात उन गुब्बारे को फोड़ देता तो क्या आज वो इतना ऊपर लटकता? नहीं, भैया फोड़ नहीं पाए, इसीलिए गुब्बारे ऊपर आ रही है, गैस भर गए उनमें, उनको फोड़ना चाहिए तभी तो नीचे लटकेगा। भैया गुब्बारे की बात कर रहा हूँ, इंसान के शरीर में बने हुए गुब्बारे की नहीं। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी। बच्चा फ्यूचर में क्या बोलेगा इन बात का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे की जो दोस्त होगी ना वो बोलेगी तेरी मम्मी तो रंडी थी। नहीं, गुब्बारे दिखा के अगर वीडियो बनाओगे तो बच्चा तो बोलेगा ही ना कि तेरी मम्मी कितना लेगा, एक शॉट का 200, 300, 400, अभी मुंह में फेंक के मारूंगा, जा ला तेरी मम्मी को। नहीं, हम इस जमाने में 200-300 लगा रहे हैं, आगे तुम्हारे बच्चे तो कम से कम 1000-1500 लगाए देंगे। नहीं, इंस्टाग्राम रील में भी उतना नहीं कमा पाओगे जितना अपने बच्चों की दोस्त आके शॉट मार लेगी ना, उनमें जो कमाई होगी। नहीं, तुम लोग जो इंस्टाग्राम में फैला रहे हो भाई साहब, तुम्हारी ये वीडियो देख के पोर्न स्टार शर्मा जाएगा। डैनी डेनियल्स तो अपने आप को गले में रस्सी बांध के फांद लेगा, बोलेगा भैया मेरे से ज्यादा शरीर तो इन्होंने दिखा दिया, मैंने तो नंगापन दिखाया, इन्होंने आधी नंगी में पूरे नंगापन दिखा दी। शादी हो गई? कैंसल हो गई? कैंसल हो गई यानी टूट गई यानी खलास। ठीक है, शादी वादी टूटता है सब कुछ मालूम है, लेकिन ये साउंड कैसा? आ ऊ आ। भाभी जी आप कहना क्या चाहते हैं? एक तो गुब्बारे दिखा दिए। नहीं नहीं, हम आपका पूरा बात सुनना चाहते हैं। कंटिन्यू। भावनाओं में बह के यहाँ वहाँ बह गई। ये कौन सी भावना है जिनमें बह के इंसान आ ऊ ऐसे आवाज निकालता है भाई साहब? मेरे को तो लगा कि पेले जा रहे हैं पीछे से। नहीं, सामने गुब्बारे ऐसे निकल रहे हैं ना, लग रहा है कि पीछे से घोड़ा चल रही है। मतलब घोड़ा मतलब वो वाला घोड़ा नहीं, इंसान का घोड़ा जो 6 इंच का होता है, कभी कभी चल जाता है पीछे से, समझ लो ना। इसके लिए जो फीलिंग आ रही है ना आंटी का, कितनी जहरीला। अरे मैडम, मजबूरी क्या है आपकी? एक आइसक्रीम के लिए नंगा नाचेंगी, वो भी मेले में? अरे इन भोसड़ी वालों को देखो साले, मुस्कुराहट देखो मादर चूजों की, एक लड़की नाची की नाची नहीं, वीडियो ऑन। साले आइसक्रीम खाने की पैसा नहीं है तुम लोगों को? नहीं, आइसक्रीम के ठेले में खड़ा हुआ है। अरे लड़की नाच रही है, जरा हम भी तो देखे, भोसड़ी के कान के नीचे मारेंगे। और मैडम जी नाच रही हो ठीक है, गुब्बारे कैसे दिखा रही हो? ठीक है, अच्छा एक बच्चा। भाभी जी रुक जाइए, 10 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम काउंट कर रहे थे कुछ और चीज। क्या भाई हो, तुम हंस क्यों रहे हो भैया? क्या देख रहे थे? कुछ और चीज लटक रहा था ना। अरे भाभी ने ब्रा पहनना भूल गया है। नहीं भूला है भाई साहब, व्यूज के लिए आजकल कुछ भी चलता है, कुछ दिन बाद तो
साले नंगे होके करेंगे ये सब काम। ये एक पोर्स है जो अपने शरीर को मेंटेन रखती है। लेकिन मेंटेन शरीर को मेंटेन, अबे शरीर की चीज को उठाले पुथाले जा रही है भाई साहब इनकी मदद से। दुनिया ऐसी मुकाम में आ चुकी है जहां पे इंसान अपने आप को नंगा करके व्यूज ले रहे हैं, लाइक्स ले रहे हैं भैया, पैसों के लिए मतलब कुछ भी कुछ भी। कुछ दिन बाद तो लाइव पोर्न चलाएंगे घर से कि देखो मेरे पति मेरे चुच्चे दबा रही है। ये दिन दूर नहीं है, बहुत ही क्लोज है। मैं ना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रही थी। ओके सी क्यूट नो क्यूट राइट। अरे मैडम मैं तो डर गया, आपने ऐसा थ्रेट दे दिया। नहीं सोचो इनका जो बॉयफ्रेंड होगा साला कितना मादरचोद होगा, उसकी किस्मत कितनी फूटी होगी। नहीं उनकी प्यारी गर्लफ्रेंड उन्हें कैंडल लाइट में बुला रही है काला जादू करने के लिए। काला जादू का तुमने मैप देखा, एक स्टार बनाया हुआ है, दो कैंडल लगे हैं। साले कुछ देर बाद एक बिल्ली आके टट्टी करके जाएगा तो बोलेगा काला जादू सक्सेसफुल। अबे ऐसी काला जादू तुम्हारी काली चूत में, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉडी सेमिंग नहीं ना ही कलर सेमिंग। नहीं मुझे पता है मेरा बॉडी भी दुबला पतला है, लोग कभी कभार मुझे भी बॉडी शेमिंग करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैडम मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलती से काली कुचड़ी कहा दिया। क्यों मैंने नहीं कहा, अभी तो कह दिया। सॉरी 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 गाइस, हम लोग दीघा से जा रहे हैं क्योंकि दीघा में एक भी लड़का अच्छा नहीं है और सब कुछ छोड़ के खुश 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 खुश। अभी ये कैसे इशारे है भाई साहब, सीधी बात बोलो ना, हमें चोदने वाला कोई लड़का नहीं है दीघा में। तो भैया हमारे यहाँ पे आ जाओ, स्वागत है हमारे इन घर में जहाँ पे आपको पूरे मजे की साथ पेली जाएगी। नहीं हम नहीं पेलेंगे, हम अगर पेलने जाएंगे तो हमारे घर वाले हमारे पिछवाड़े पेल देंगे। इनके लिए है हमारे हाथ में बहुत सारे लौंडे हैं जो बहुत सालों से सिंगल बैठे हुए हैं, बाथरूम में जाके मुठ मारते हैं, वो लोग है ना पेलने के लिए। एक बार आप आके तो देखे। अरे ये जो सीने में टैटू मैटू डाल के रखे है ना, टैटू वाले ने कितने बार दबाया, मतलब जो टैटू का पेन होता है उनका नीट की बात कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा तो मेरी कौन सी आदत बुरी लगती है मुझे ना? बताने की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट की बात हो रही है, मुझे तो ये पूरा का पूरा पूरा लग रहा है भाई साहब। इनके साथ एडजस्ट तो दूर की बात, मैं इनकी तरफ देखूं भी ना नहीं। क्या है इनमें, साले मेकअप पोत के रखे हैं मुंह में तो वो भी सफेद सफेद बाहर निकल रहा है। भैया काले हो मेकअप मत लगाया करो, काले में बहुत लोग हैं जो सुंदर दिखते हैं। मेरे रंग गोरा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कलर शेमिंग कर रहा हूं। नहीं काले में बहुत लड़कियां अच्छे दिखते हैं, हम भी तो दुबला पतला है, हमें भी लोग बॉडी शेमिंग करते हैं। कोई बात नहीं, कलर शेमिंग में मत आओ ना ही बॉडी शेमिंग में। मैडम एडजस्टमेंट की बात छोड़ो, ये जो कपड़े आप पहन रहे हो ना और ये जो मेकअप आप लगा रहे हो इनमें आप चुड़ैल लग रही हो। क्या मैंने बॉडी शेमिंग कर दी? भैया गाने में तो बहुत सारा भाई है, वीडियो खत्म हो चुका है, घर जाओ लाइक माइक करो कमेंट मोमेंट करो सब्सक्राइब कर देना ठीक है। गाने में भाई ब्लॉग।